सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीना है तो दीपक की तरह जियो, जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी किसी गरीब की झोपड़ी में। एक माटी का दिया सारी रात अंधियारे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। हर घर में हो खुशियों का उजाला, कभी ना आए रात कोई काली, ऐसे ही सब खुशियाँ मनाते रहें, ऐसे ही रहे खुशियों वाली ये दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का पंचांग 24 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम 5:27 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र दोपहर 2:42 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:56 से 9:21 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 11:50 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर रात्रि 2:33 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। आप सभी को नरक चतुर्दशी और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नरक चतुर्दशी अभ्यांग स्नान मुहूर्त सुबह 5:11 से 6:28 तक रहेगा। इसकी अवधि 1:17 की रहेगी। नरक चतुर्दशी के दिन चंद्रोदय का समय सुबह 5:11 तक रहेगा। इस साल अमावस्या तिथि 24 अक्टूबर को शाम 5:27 से आरंभ होगी, जो कि 25 अक्टूबर को शाम 4:18 पर समाप्त होगी। दिवाली लक्ष्मी पूजा मुहूर्त शाम 6:53 से रात 8:16 तक रहेगा। लक्ष्मी पूजा की अवधि 1:23 की है। प्रदोष काल शाम 5:43 से 8:16 तक रहेगा और वृषभ काल शाम 6:53 से 8:48 तक रहेगा। तुला राशि 24 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार, आप वर्तमान समय में सीमित महसूस कर सकते हैं। अभी आप एक नई शुरुआत की खोज में हैं। अपने बाहरी रूप का मेकओवर भी आपके लिए अच्छी शुरुआत हो सकता है, तो परीक्षण करें और मचा लें। इस नए चरण में खुद पर यकीन करें, आत्मविश्वासी और मजबूत रहें। वातावरण बहुत खुशनुमा है। आज आप सही दिशा पा सकते हैं जिसे आप सही कदम उठाएंगे और विजय की तरफ दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ेंगे। अपने अंदर एक शक्ति महसूस करेंगे और इस शक्ति का प्रयोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए करें। याद रखें, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि असंभव शब्द में भी संभव शब्द आता है। आप ऊर्जा से भरे हैं और बहुत अच्छे मूड में भी हैं। दोस्तों को पार्टी दे सकते हैं। अपने खुशी में खोकर आपका ध्यान भविष्य के खतरों से हट सकता है। घबराएं नहीं, किसी आदमी से कोई नुकसान होने की आशंका नहीं है। केवल आपका पेट अपचय वाला अधिक भोजन करने के कारण खराब हो सकता है, जिससे आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। पारिवारिक मामलों में आपका फैसला ही माना जाएगा। अपने किसी भावी लक्ष्य के प्रति मेहनत और सुनियोजित ढंग से कार्य करने से काफी हद तक सफलता मिलेगी। पैसा आने के साथ साथ व्यय की भी स्थिति रहेगी, परंतु आर्थिक स्थिति संतुलित ही बनी रहेगी। व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। केवल अपनी भावनाओं पर ध्यान देने की वजह से परिवार के लोगों की समस्याओं को समझ पाना आपके लिए कठिन होगा। यात्रा से संबंधित लिए गए निर्णय स्थगित करने पड़ सकते हैं। पैसों से संबंधित छोटे मोटे नुकसान के कारण अपना विश्वास टूटने ना दें। काम से संबंधित टारगेट ध्यान में रखते हुए योजना में बदलाव करने की आवश्यकता है। पार्टनर की गलतियों की चर्चा अन्य लोगों के सामने ना करें, घुटनों का दर्द बढ़ सकता है।
आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे और पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। आय में वृद्धि संभव है। आपके पास नए अवसर होंगे जो आपकी सामाजिक स्थिति में सुधार करेंगे और आपकी संतुष्टि को बढ़ाएंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ आपके संबंधों में सुधार होगा। कार्यस्थल पर नवीन समीकरण के चलते आप पूरे समय व्यस्त रहेंगे। कुछ रुकी हुई योजनाएं अब प्रगति करेगी। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है और इच्छित स्थान पर स्थानांतरण भी संभव है। आप सरकार से किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप समय पर अवसर का उपयोग कर लेते हैं तो आपका व्यवसायिक जीवन आपको भविष्य में अत्यधिक लाभ प्रदान कर सकता है। यह आपके लिए सौभाग्यशाली अवधि नहीं है। पारिवारिक जीवन में भाई बहनों से विवाद के कारण अस्थिरता भी हो सकती है। प्रेम संबंध यथावत रहेंगे। परिश्रम से आप वरिष्ठों को संतुष्ट कर सकती हैं। आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। सावधानियां: दूसरों के आलोचना में समय और ऊर्जा नष्ट न करें। इससे आपकी योग्यता और काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। भाइयों के साथ किसी भी प्रकार का मतभेद और तनाव न उत्पन्न होने दें। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी तथा परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग करने में मनोरंजन पूर्ण समय व्यतीत होगा। युवाओं की दोस्ती में नजदीकियां बढ़ सकती है। आजीवन साथी के परिवार के साथ मन मुटाव की संभावना है, लेकिन इसका प्रभाव अपनी लव लाइफ पर ना पड़ने दें। पैसा बढ़ने के साथ अपेक्षाएं भी बढ़ने लगती है। ऐसे में मोटी तनख्वाह भी कम लगने लगती है। किसी खास को आकर्षित करने के लिए मेक ओवर एक अच्छा उपाय है। बड़े कदम उठाएं और मजबूत दृढ़ संकल्प के साथ जीवन में अपना ध्यान केंद्रित करें। यह न केवल आपके कार्यस्थल बल्कि आपके रोमांटिक जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आपकी लव लाइफ इससे शांतिपूर्ण और प्रेममय बनेगी। पूरे जोश और उत्साह से अपने जीवन के इस लम्हे का स्वागत करें। इस समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंध को निष्पक्ष होकर जांचें। क्या आप इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं? इस समय आपको अपने पार्टनर की बजाय अपनी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए और इस उलझन को दूर कर लेना चाहिए जो आपको असामान्य रूप से कई बार महसूस होती है। अब आपको फैसला कर लेना चाहिए कि आप अपने संबंध को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। बात करते हैं करियर की। आज का दिन कार्यस्थल पर कुछ हद तक उपजाऊ होगा, लेकिन आपको अपने जरूरी कार्य की अपेक्षा नहीं करनी है। अपनी कागजी कार्यवाही को पूरा करने और सभी सरकारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सावधान रहें। आज आप एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण गलती अपनी लापरवाही के कारण कर सकते हैं। इसलिए अगर आपका मन बाहर जाने का कर रहा है तो सबसे पहले अपने कार्यालय के लंबित कार्यों को खत्म करें। इस समय आप धन संबंधित मामले और अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। अभी आप स्वरोजगार के बारे में भी सोच सकते हैं। सितारे आपके पक्ष में, इसीलिए सफलता मिलेगी। आप कुछ भी पा सकते हैं, बस अहंकार के दीमक से स्वयं को खोखला ना होने दें। इस वक्त दुनिया की ऊर्जा आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आप भी ऊर्जा से भरपूर है, किंतु अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग सही दिशा में करें। अगर आप विफलता का सामना अच्छे से करते हैं तो यह आपको शिक्षा ही प्रदान करेंगे। आपका शांत स्वभाव आज आपको आराम देगा और आपको तारीफों का पात्र बनाएगा। इस समय अपने कार्य करने की प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। आज आप घर पर भी काम कर सकते हैं, परंतु आपको अपने फैमिली को भी समय देना चाहिए। मार्केटिंग तथा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित गतिविधियों में सफलता मिलेगी। बात करते हैं सेहत की। आज आपके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का कारण आपकी चिंता हो सकती है। आप बहुत चिंता करते हैं और आज भी कोई अपवाद नहीं है। इससे आपको माइग्रेन या अल्सर जैसी तकलीफें भी उभर सकती है। हालांकि अगर आप शांति से सोच सके तो चिंता करने लायक कुछ भी नहीं है। और अगर कुछ आपके सोचे अनुसार नहीं भी हो रहा है तो भी कोई बड़ा बात नहीं है। आप पूरी तरह इन समस्याओं को नजरअंदाज कर सकते हैं। आज का उपाय: आज आप माता लक्ष्मी जी को कमल की माला चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन
शुभ हो।